हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहला व्लॉग डालने जा रहा हूँ, जिसकी एडिटिंग पूरी हो चुकी है और आज से मैं ब्लॉगिंग शुरू कर चुका हूँ। और इस व्लॉग के बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूँगा, ये व्लॉग हमारा शूट किया गया है उज्जैन में, जो कि थोड़े दिनों पहले शूट किया गया था, पर किसी कारणवश मैं इसको डाल नहीं पाया। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, एक्चुअली कुछ वीडियो क्लिप्स थी जो हम आपस में ग्रुप में दोस्तों के पास थी, जो एक साथ कलेक्ट नहीं हो पा रही थी किसी कारण से। तो ये दो चार दिनों में कलेक्ट हुई और उसके बाद इसको एडिट करके और इसको अब जस्ट पोस्ट किया जा रहा है। तो उज्जैन की है ये वीडियो, उज्जैन का व्लॉग है। और वहाँ पे उज्जैन में कहाँ का है ये? उज्जैन में है उज्जैन के शमशान का। और गाइस, यही आपके लिए सरप्राइज़ है। वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ जो भी है, जैसा भी है, वो हमने प्रॉपर शूट किया है। तो इसको डालते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि क्या हुआ है और क्या होता है वहाँ पर। शौक हो जाएंगे आप, ज़रूर देखना। ये हमारी ट्रेन लेट होने के कारण ये हमारी दुर्गति होते हुए, दुर्गति तो नहीं कहेंगे, सब अपने थे, मस्ती कर रहे थे, जैसे कि दया साहब, रिंकू बोले, देखिए कैसे सो रहे हैं भाई। मेरे को भी दे दो एक बारी। उज्जैन पहुंच कर अपना ट्रेन का सफर खत्म करके ये अपना उज्जैन से उज्जैन मंदिर से शमशान की तरफ जाने वाला रास्ता, अबे हमें भी इसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं टेम्पो में। ये हम पहुंच चुके हैं अपने महाकाल के शमशान के बाहर, तो बस अब हम एंट्री करने वाले हैं यहाँ से। ये है भाई हमारी उज्जैन की शमशान की मेन एंट्री गेट, उज्जैन का मेन एंट्री गेट। टॉयलेट मेन एंट्री गेट को क्रॉस कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा चल के कुछ इस तरीके से है ये। और ये हमारे कारू, ये हम सब भाई। ये उज्जैन का शमशान घाट की एंट्री, सेमी एंट्री। ये भाई, ये हमारा ड्राइवर भाई, ये काड़ू, ये दया आगे भागते हुए, मोगली, रिंकू बोले, और ये संजय, और मैं हूँ जो वीडियो बना रहा। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। अब यहाँ से रास्ता जाता है वहाँ के लिए, जहाँ इस शमशान में हमारे अघोरी बाबा बैठते हैं। और हम सब यही सोच के चल रहे हैं कि हम अघोरी बाबा के दर्शन लेंगे उसके बाद देखते हैं उज्जैन के शमशान का क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। लाइट पर दिख रहा है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ये उज्जैन का एक छोटा सा तो नहीं, पर एक ओवरव्यू कह सकते हैं इसको, जो मैंने प्रॉपर शूट किया है। ये थोड़ा सा लंबा है, अगर इसको देखना चाहो आराम से देखें, 7 से 8 मिनट का। और वहाँ का माहौल देखे कैसा है, अंधेरा कैसा है, और चीज़ें कहाँ हैं, क्या है, किस तरीके से हैं। देखिए कीचड़ ना, सूखी मट्टी है। कौन कपड़ो फास्ट चल रहा है, हाँ आगे चल रहा है वो, वहाँ वहाँ से मंदिर ही मंदिर है। हाँ देखा मैं, श्री महंत चुन्नी लाल जी गुरु महाराज। ये गेट यहाँ है पर, अच्छा समाधि स्थल भी लिखा है, गए यहाँ समाधि ली गई थी। आ जाओ ऊपर देखा। चल भाई, जय बाबा की जय बोले, जय बाबा। ये है ले आराम तो पढ़ लेंगे, फोटो ले लीगी। पढ़ लेंगे आराम, ताजा देखा जो देखा आराम।
गलती हो तो बाबा माफ करिए, कितना गलत चलन पड़ जाते। बाकी तो आ जा। यूका का पेड़ है, यूका का पेड़ है, सैतूस का ना, सैतूस का तो ना है। देखिए ये भाई छुई मुई का पेड़ है मेरे, यो डैम रहा। कैमरे में तो आ नहीं रहा, जूम करा ना रहा, ना रहा, अंधेरा हो रहा, रात हो रही ना। अरे यो भाई यो नजारा है उज्जैन के शमशान का, शमशान भूमि। जय बोले, आ जा, जय हो बाबा। मकड़ी के जाले हो रहे हैं। केड़े केड़े पेड़ है, मंत पेड़ा का बिना बेरा। यो उसका है, शीशम का पेड़ है शायद, सोनीने का पेड़ है। बेरा है ना भाई, क्या के पेड़ है। मैं तो जूम जूम कर दूंगा, कोई भाई कोई बताता हो तो बता देगा बाद में। बाबा गलत चक्कर तो समझिए नहीं, बाकी ठीक है। हम तो क्या भाई, ऐसी जगह पर सुकून मिले नहीं, मोक्ष सुकून नहीं, मोक्ष। अब मोक्ष को मिलता है ऐसे सुकून मिलता है नहीं मिलता। हाँ। साला ये ऊपर चला है। अरे अरे रिपोर्ट मत जी उस्ताद, ऊपर कटे जा रहे। अरे उतर के जा रहा हूँ, ऊपर ना जा रहा, ऊपर वहाँ वो एंट्री में जो था सोधा राइट मुड़ के, मैंने वहीं लग रहा था वहाँ वो चिता। चलो क्या वो उड़े। हाँ ऊपर एक बार और चले, फिर भीतर बैठेंगे भाई। आ गए सारे चक्कर काट मारे। यो नजारा भाई शमशान का, अपनी बाबा की जो सीधा रास्ता है, यो तो बिना खिजा है, पर यो अपना भाइया दर्जा है और बाबा दर्जा है। नज़ारा देखना तो फ्लैश बंद करता हूँ हल्की सी एक। ले भाई यो नज़ारा है, फ्लैश बंद। हाँ बंद कर फ्लैश हटा। हाँ वैसे हाथ ला ले। हाँ यो नज़ारा भाई, कति गुप्त अंधेरा। अरे भाई वो कुत्ते भोकन लाग रहे, जला ले फ्लैश। और यो रास्ता भी नहीं पता कि जा है, पर जा तो यो भी रहा है। अरे सारे रास्ते जो डोली बना रहे कितने समय, कहीं ना कहीं इंसान के जाने का ही रास्ता, कितना कितना तो जाता है होगा उस्ताद। कोई मंदिर, कोई स्थान, कोई घर, कोई कुछ तो होगा। ये ऊपर चल आएंगे, फिर नीचे बैठेंगे आराम से। देख वहाँ कह रहा हूँ मैं, वहाँ ऊपर चढ़ के, अरे वहाँ ऊपर अरे मकड़ी के जाल भूल गया कान में चिपक गया। फिर नीचे हो गया। देख वो ऊपर वहाँ दिख गया, वो है मेरे ख्याल। देख देख वो जल रही चिता दिगी, आवाज जल रही, आवाज जल रही। नीचे बैठा है महाराज जी, आगे जाके उल्टे हाथ के भीतर जाके। हाँ आगे जाके उल्टे हाथ ने भीतर जाके, आगे से लेफ्ट सीधा जाके, वहाँ सारे भगत बैठे। हाँ मौका है अभी, आगे से लेफ्ट, यहाँ से घूम जाएगा रोड सीधा। भाई जस रही यार, बता इन्हें दिखाना। अरे खींच पकड़े यार ये कमाल, चप्पल तार ले ले भाई। हाँ ये देख यो है, ये आड़ा जल रही है समझान।
देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये है। एक दो तीन चार, ये पुरानी है, 5 6 7 8 9, और ये क्यों दादा 10 11 11 चीता बोले। जय बाबा, यो है यहाँ जला चीता, वहाँ गलती है तो गलत तो बता रहे हैं वे। ना ना कपड़े पे नजर रहा, पैर मैं देख रहा हूँ, बस कर दो वीडियो बंद। लगाई होगी मेरे हिसाब से सही 4 5 4 बजे करीब ही लगा। ना ना भाई, जिस हिसाब से आप, ना घंटे की बात ना है, जिस हिसाब से राख है भाई, कम से कम 10 घंटे तो फालतू हो रहे हैं। हाँ 10 घंटे में जड़ेगी वे मोटी मोटी लकड़ी। चलो चलो वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं। ये यहाँ की सबसे हॉरेबल प्लेस कह सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करी, सुना, पर्सनली सुना और उसको रिकॉर्ड किया। और मैंने पजेब की आवाज़ आ रही है, थन्ना आ रही माँ किसो भाई, कति क्लियर आ रही है, कड़द है उंगत आ रही है मेरे ख्याल में, इस साइड पे तो सच में ना आ रही। मतलब चल मैं कहता हूँ ऊपर जेब की ना होगी, किसी चीज की आवाज ना आ रही तने भाई, बना कति क्लियर आ रही है माँ की सु। अरे आ रही होगी, लग तो होगा इंटेंशन ऐसा आदमी ने कोई है कुछ। चलो तेरे ही बहन मीट दे। अरे बहन की बात ना है, वो आ रही है, मैं कह रहा हूँ आ रही है, पर वो गॉड। चल बाकी इन चीजों से मजाक चलता नहीं भाई। अबे अच्छी चीज भाई, हाँ आ रही है ना चमगादड़ की आवाज है, अम्मा ना पता क्या किया। बाकी बाबा ने लेके गए यार अड्डा से। अरे वो तो ले गया, मैं कह रहा हूँ जो आवाज आ रही है वो जिस चीज की भी आवाज लग रही है पजेब की आवाज है, लगता है आदमी वो सुन सा चमगादड़ी सी आवाज थोड़ी काटना है या अभी से चमगादड़ी काटने लग रहा है। चमगादड़ी आवाज यूट्यूब पर देख लेंगे, अगर मैच हुई तो ठीक है। देख लो भाई, यो जैन की जहाँ शरीर को मुक्ति मिलती है, ये चिता स्थान जल के ऊपर, दूसरा चिता स्थान वो अलग था, ये अलग है। हम वहाँ अघोरी से मिले, अघोरी बाबा से, और हमने शूट नहीं किया किसी कारणवश, कोई थे हमारे वहाँ के कुछ पर्सनल इश्यूज़, तो इसलिए हम वहाँ अघोरी बाबा का शूट नहीं कर पाए किसी भी वजह से। इसलिए आपको इस क्लिप में कहीं भी अघोरी बाबा की शूट नहीं मिलेगी, एक फ़ोटो ज़रूर मिलेगी जो हम कवर फ़ोटो में एडिट करके डाल देंगे, वो भी किसी कारणवश मैं वीडियो में डालना नहीं चाहता, बस कवर फ़ोटो में ही डालूँगा उसको। तो गाइज़ ये था हमारी उज्जैन की शमशान की वीडियो जो आपने देखी, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया वो सारा शूट किया, और जो भी इसमें साउंड था कोई भी एडिटेड नहीं था, सारा सारा ओरिजिनल साउंड था, सारा ओरिजिनल एक्सपीरियंस था। इसके बाद हमने सारी वीडियो कास्ट करके उसको, जो हमारा एक मित्र बोल रहा था कि शायद ये आवाज़ किसी जानवर की या किसी चमगादड़ की हो सकती है, हमने वो भी चलाई ऑब्जर्व की और बिल्कुल कुछ मैच नहीं किया, बिल्कुल अपोजिट था। बाकी जनता है, जनता अपने हिसाब से ऑब्जर्व करती है और बताएगी क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं और अब यहाँ से निकलते हैं अपने होटल की तरफ, और उसके बाद हम घर जाएंगे अपना महाकालेश्वर उज्जैन का दर्शन करके उसके बाद घर जाएंगे। शुक्रिया। ये बाबा से वार्तालाप करते हुए, इसकी तो जिंदगी दंड है, और ये पागल हुआ, बड़ा शादी कब होगी।